तू बड़ी आवारा गर्दियां कर रहा है। एग्जाम की तैयारी कर ली तूने? पढ़ लिया सारा? अबे बावली, एग्जाम की तैयारी ना तू कर, मैंने तो डायरेक्ट जो है ना रिजल्ट की तैयारी की है। रिजल्ट की तैयारी? पागल हो गया है क्या? वो कैसे कर ली? अभी दिखाता हूँ। अम्मा का ना झाड़ू। अब्बा की ना लेदर वाली बेल्ट। और आखिर में अम्मा का बेलना। बंटी, इन सारे कामों से अच्छा था तू पढ़ ही लेता। तू पढ़ ले, मेरे हिस्से का भी पढ़ ले, बहुत दिल कर रहा है ना जरा, पढ़ ले। नो 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 नो, मैं भी नहीं पढ़ूंगा। बंटी भाई, क्या बात है, रो क्यों रहे हो? गुलफान भाई, आप नहीं समझोगे, आप छोड़ो जाओ। नहीं बंटी भाई, आप मुझे बताओ, क्या पता आपके मसले का हल मेरे पास हो। गुलफान भाई, मेरी जिंदगी में ना एक ही लड़की थी जिसे मैं बात करता था। हाँ तो क्या हुआ, उसकी शादी हो गई? नहीं गुलखान भाई, वो जो लड़की थी ना वो किसी के साथ भाग गई। गुलखान भाई मेरी बात सुननी है, सुन लो, नहीं सुननी चले जाओ। हाँ बंदी भाई बोलो। असल में ना गुलखान भाई, मैं जिस लड़की से बात करता था ना, उसका नाम अलीशा था, लेकिन मुझे आज पता चला वो अलीशा नहीं थी, अली शाह था। क्या आपने भी किसी अलीशा से चैट की है? कमेंट्स में जरूर बताना और वीडियो लाइक करके चैनल सब्सक्राइब करके जाना। नहीं ना, आप मुझे नंबर लिखवा देना, मैं खुद ही पर कांटेक्ट कर लूंगी, मैं आ जाऊंगी। हाँ हाँ जी जी, मुझे बताएं। 490 45, ठीक हो गया। मैं ना आपको कॉल करके ना फिर आती हूँ, ठीक है? ला फेस ला, बबली नंबर लिखवा। बबली बेटे, बबली क्या हो गया पप्पो, डोरी हो गई है क्या? बबली जल्दी से नंबर लिखवाना मुझे। कौन सा नंबर? कौन सा नंबर? हाय मैं मर गई, तूने नंबर नहीं लिखा? ओहो पप्पो, मैं तो गाने सुन रही थी। हाय नंबर भी नहीं लिखा, किसी काम की नहीं है मेरे भाई की औलाद। और ये तो बना क्या रही है ना, जरा ये मुझे दिखा ना। पप्पो, पप्पो की शक्लें बना रही है, इतनी बैड़ी बैड़ी। एक तो घर में मेहमान आ जाए ना, खर्चे वैसे ही बढ़ जाते हैं। ये बंटी भी नहीं आया अभी तक, पता नहीं किधर रह गया, जिस काम के लिए भेजो ना देर से ही आता है। ये ले अम्मा, पूरे 6,000 का सामान आया आपका। अरे मैं मर गई, 6,000 का बंटी, सिर्फ इसमें बिस्किट डाले और चीनी, 6,000 की? हाँ अम्मा, 6,000 का बहुत महंगाई हो गई है। अरे बंटी, ऐसे ही चलता रहा ना तुम्हारी जमा पूंजी से 6 महीनों में खत्म हो जानी है। एक वक्त था बंटी, तेरे अब्बा लाते थे ना भर भर के सामान, इतना सारा सिर्फ 30 रुपए में। ओ अम्मा, अभी हरकतें नहीं चलती उधर, दुकानों के अंदर जो है ना कैमरे लगे हुए हैं, फौरन देख लेते हैं। अरे हमको चोरियां डाका करके आते थे अम्मा, 30 रुपए में ना कोई टायर में हवा भी नहीं डालता। यार बबली, बहुत भूख लग रही है यार, कुछ बना के ला दे तू मुझे। गुलखान को किस लिए रखा है, उसको बोलो ना। यार वो घर पे नहीं है, अम्मा भी घर पे नहीं है, तुझे इसलिए तो बोल रहा हूँ, बना देना कुछ यार। मेरी बहन यार, तू बहुत तंग करता है कसम से, लाती हूँ कुछ बना के। ले भी आओ क्या, पाए बनाने चली गई हो? ये ले खा मर। बबली ये क्या बनाया, गोबर जैसे जायके वाला, सच में बंटी? हाँ या अल्लाह, मेरे भाई ने क्या क्या चखा हुआ है, पागल है क्या? इससे तो अच्छा था मैं बाहर जाके खा लेता। जाओ जाओ जाके खा लो, बाहर से ही गोबर खाओ तुम। अम्मा पेरिस कहाँ है? बंटी तुझे मैंने कितनी दफा कहा है, तू अपनी चीजों का खुद ध्यान रखा कर, कितना तू बड़ा हो गया, अब मैं किधर ढूंढती फिरूं? रुक देखती हूँ, पता नहीं किधर रख गया, इधर भी नहीं है, इधर भी नहीं पड़ा हुआ, सारे तो कमरे मैंने देख लिए, कितने रख दिए।
मजाल है कोई चीज जगह पे रख दो और वो मिल जाए। जूतियों के डब्बे में भी नहीं रखा हुआ, पता नहीं कहाँ रख देता है। बंटी मैंने पूरा घर ढूंढ मारा है, मुझे कहीं नहीं मिला है। तू अपनी चीजों का ध्यान खुद क्यों नहीं रखता? तू है इतना तो तू बड़ा हो गया है, अब ये काम भी तेरी अम्मा ही करे, खुद ही ढूंढ। अम्मा मिल गया मुझे, छोड़ने तू नहीं कहीं रखा होगा ना, जब भी मिला है। अम्मा को तो नहीं मिला पूरे घर में। अच्छा ठीक है यार, मैं आ रहा हूँ। यार बंटी मुझे ना ये लाइन समझा दे, मैंने सारा कर लिया, मुझे ये नहीं समझ में आ रहा। कौन सी लाइन यार? यही ना, देखो सबसे लास्ट में लिखा हुआ है कि मुसीबत कभी बता के नहीं आती, इसकी कोई एग्जांपल देके समझा देना मुझे। अच्छा देखो इसमें, बंटी बबली हाय मेरे बच्चों में आ गई थोड़ी फुफो थोड़े सदके वारी आ गई समझ, या और कुछ समझना है? जाब हो गया पूरा सॉल्व तेरा। बबली हाँ बोलो क्या हुआ? उन्हें दूध वाले को क्या बोला है आज? दूध वाले को मैंने तो कुछ नहीं कहा। देख सच सच बता दे वरना मैं अम्मा को शिकायत लगा दूंगा तेरी। अरे बंटी मैंने क्या बोलना है दूध वाले को? मैंने तो कुछ नहीं कहा भाई। अबे तो बाहर बेहोश क्यों पड़ा हुआ है? ओ अच्छा, वो तो बस मैंने उसे सिर्फ इतना पूछ लिया कि पिंक कलर का दूध नहीं आता। पिंक कलर का दूध? अबे बड़ी हो जा, कब बड़ी होगी? लड़कियां थोड़ी ना बड़ी होती हैं। बीबी जी खाने में दाल चावल बना लूं? नहीं गुलखान। बीबी जी खाने में दाल चावल बना लूं? कह दिया ना गुलखान नहीं। बीबी जी मैं कह रहा था कि खाने में दाल चावल बना लूं? गुलखान एक दफा मैंने कह दिया नहीं मतलब नहीं। बीबी जी मैं कह रहा था कि खाने में दाल चावल बना लेते हैं? अरे पता नहीं किस दिन मैंने इसे निकम्मे को रख लिया था। अच्छा ठीक है बना लो। ठीक है बीबी जी जैसे आपकी मर्जी, मैं तो वही करता हूँ ना जो आप मुझे बोलती हैं। दाल चावल तो बना लो। अरे बंटी के अब्बा आपको याद है उस जमाने में 24 घंटे बोलने वाला रेडियो ना सबसे पहले मेरे अब्बा लेकर आए थे? हाँ याद है मुझे, और इस घर में ना मैं लेकर आया था। ये आखियां ने जरा फिर बोलो। नहीं मैंने तो कुछ भी नहीं बोला। हाँ मेरे अब्बा लाए।